कहीं जा रहा है, गुड्डा झुंझुनू जिले में था, झुंझुनू जिले में है, झुंझुनू जिले में रहेगा। और इसके लिए बामलास की धरती पर हमारे महाराज को साक्षी मान के आपके वो बताना चाह रहा हूं, ये गुड्डा तहसील झुंझुनू के अंदर ही है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। बामलास के लोगों को, गुड्डा तहसील के लोगों को नीम का थाना नहीं जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। हमने पहले ये व्यवस्था की, आज बामलास का आदमी उदयपुर वाटी तहसील में जाता था, ये जो सारे नेता यहां के लोग गुड्डा के आगे आने और जाने का 45 किलोमीटर का चक्कर था, 45 किलोमीटर का उदयपुर वाटी जाने का। मैंने उप तहसील बनाई, उप तहसील के बाद में उसको तहसील बनाया, और वो सारे काम जो उदयपुर वाटी में होते थे वो आपके सारे के सारे काम गुड्डा में होने लग गए, सिर्फ इसलिए कि लोगों को सुविधा मिले। हमारे लोग आज नवलगढ़ जाते एक्शन ऑफिस के लिए, उस एक्शन ऑफिस को हमने गुड्डा में ले आए। ये 50-60 किलोमीटर का रोज का चक्कर जो पड़ता था लोगों के जाने के लिए, वो चक्कर नवलगढ़ नहीं जाना पड़े, इसके लिए हमने ये बनाया, 3 नगरपालिका बना दी आपके गुड्डा के अंदर, 23 करोड़ रुपए से बाईपास जो जाम लग जाता है, बच्चे जाम में फंस जाते हैं छुट्टी के बाद में 1-1 घंटे तक, लोगों से निकला नहीं जाता। इस बात को ध्यान में रख के हमने 23 करोड़ रुपए से आपका झुंझुनू रोड से नवलगढ़ रोड, उदयपुर रोड, चमरा रोड, इसके साथ साथ अब मैं आगे चमरा रोड को खरबासा की डाणी, खेदड़ू की डाणी से लाके उकंपरा से जोड़ के आपके इधर से निकल के ये रिंग रोड बने, पूरा सर्किल पूरा, ये काम हमने जनता को सुविधा देने के लिए किया था। यहां का आदमी नीम का थाना जाएगा, ये काम सुविधा देने का थोड़ी है, तो सजा देने का है, कौन करेगा, क्यों करेंगे? सिर्फ इसलिए जिन्होंने पांच साल में एक उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं बनाया, एक उप स्वास्थ्य केंद्र, यदि दिल्ली में भी राज भाजपा का था, राजस्थान में भी राज इनका था, एमपी संतोष अहलावत हमारे विधायक साहब की सगी थी, एमएलए और एमपी दोनों रिश्तेदार थे, दोनों जगह बीजेपी का राज था, एक जगह एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया हो तो उसका नाम बता दे, पीएससी सीएससी उनकी बात तो छोटो, सबसे छोटी इकाई उप स्वास्थ्य केंद्र की बात पूछ रहा हूं। और महाराज आपके सामने खड़ा हूं, कह रहा हूं, आपके इस शिष्य ने, आपके भगत ने सेंचुरी ठोक दी उप स्वास्थ्य केंद्र की, सेंचुरी। अब 4.5 करोड़ रुपए का सड़क बनके आपके गुड्डा से उकंपरा से आपके बामलास आ रहा है, आपको गुड्डा जाने के लिए मुश्किल से 5-7 मिनट का टाइम लगेगा, 5-7 मिनट का ये दूरी। इसके लिए पता नहीं बिना सीन पूछ की बात, जिसका कोई लेना देना, एक झूठ को 100-200 बार बोलो, बोलते जाओ तो झूठ सच जैसा दिखने लग जाता है, सच जैसा। वही प्रयास अभी हमारे रामतार जी देवा आपके यहाँ के सरपंच रहे, वो भी अनशन कर रहे हैं, तो मेरी उनसे निवेदन है रहा उनसे कि आप, मैं वहां जाऊंगा भी, जाके उनको कहूंगा कि आप ये खाना खा लो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, आपकी अभी जरूरत है परिवार को, समाज को और गांव को, आप कम से कम, ये गुड्डा कहीं नहीं जा रहा, ये RJ 18 की बात करते हैं, सैनिक जिले की बात करते हैं, जो पापड़ा पचलंगी का आदमी उसको नीम झुंझुनू जाने के लिए 80 किलोमीटर चलना पड़ता है, 90 किलोमीटर चलना पड़ता है, उसको सुविधा वहां मिल जाए। ये जिले हमने बनाए, हमने राज्य में फैसले किए,
आज हमने वो फैसले किए सरकार में, किसानों का बिजली का बिल सदा सदा के लिए माफ कर दिया, 2000 यूनिट परमानेंट। तो छोटी बात है क्या? घरों के लाइट का बिल टोटल माफ कर दिया हमने, टोटल। ये जो यदि कहीं भगवान नहीं करे, यदि कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, किसी घर का चिराग बुझ जाता है, सरकार ने हमने ये फैसला किया कि छोटे छोटे बच्चे जिनके ऊपर से पिता का साया उठ गया, उस परिवार की कोई स्थिति नहीं है, उस परिवार के आंसू पूछने के लिए हमारी सरकार ने हमने 10 लाख रुपए उस परिवार को देने का फैसला किया। जो पेंशन 500 रुपए थी, हर जगह बुजुर्गों की पेंशन 1000 और 1500 रुपए करती है, 1000 1500 रुपए। ऐसे इनके पास कोई काम है नहीं, बोलने के लिए मुद्दा है नहीं, बुढ़ा नहीं जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, आत्मदाह कर लेंगे। मेरे भाई, तुम्हारी भी जरूरत है, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष होता है, आप आत्मदाह को नहीं करने देंगे। मैं पूर्व विधायक शुभकर्ण चौधरी से कहना चाहता हूं, क्यों फालतू की बातें कर रहे हो? मैं ये